तो की हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं न्योन मैन और आज हम बात करने वाले हैं मेरे ही बारे में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मेरे ही चैनल के बारे में। तो भाई, मेरे चैनल में पहला स्ट्राइक आ चुका है एंड जस्ट आप एक गेस मारिए कौन हो सकता है ये, कौन मुझे स्ट्राइक मार सकता है भाई? क्विंट। जी हां, क्विंट ने मेरे चैनल को एक स्ट्राइक मारा। तो कल रात को मेरे को एक ईमेल आया यूट्यूब से, ड्यू टू अ कॉपीराइट टेक डाउन नोटिस दैट वी हैव रिसीव्ड, वी हैड टू टेक डाउन योर वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। आप वीडियो टाइटल देख सकते हैं, वीडियो URL, वीडियो इशूड बाय द क्विंट। दिस मीन्स दैट your video can no longer be played on YouTube. You have received a copyright strike. You now have one copyright strike. If you get multiple copyright strikes, we'll have to disable your account. To prevent that from happening, please don't upload videos containing copyright content that you aren't allowed to use. मेरा video totally fair use के under था। अगर तो आपको fair use नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होता है। उसके under एक creator copyrighted content use कर सकता है to a certain limit and that reason may be commentary देने के लिए, अपना ओपिनियंस देने के लिए या न्यूज स्प्रेड करने के लिए, फॉर एडुकेशनल पर्पसेस, ये सब चीज के लिए यू कैन यूज कॉपीराइटेड कंटेंट टू अ सर्टेन लिमिट। पर मेरा वीडियो 3 मिनट का था, उसमें से खाली 20 सेकंड का क्लिप मैंने यूज किया था क्विंट नियोन का, उसमें भी उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। जबकि मेरा वीडियो खाली न्यूज को रिपोर्ट करने का था, ना कि हेट स्पीच या कुछ अब्यूज करने का था। एक गाली तक नहीं दी थी मैंने उस वीडियो में, गाली क्या, एक हार्श या रूड वर्ड तक यूज नहीं किया था मैंने उस वीडियो में। मैंने किसी का साइड नहीं लिया था, खाली न्यूज रिपोर्ट किया था मैंने, उसमें भी उन्होंने स्ट्राइक मार दिया। यार मतलब स्ट्राइक मार के ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं यार? हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को बहुत फर्क पड़ता, उन लोग को भले कुछ ना हो लेकिन हम लोग को होता है। बहुत गलत चीज है यार ये। कल बकलोल बच्चा के चैनल में भी स्ट्राइक मार दिया, आज मेरे चैनल में भी स्ट्राइक मार दिया। मतलब छोटे छोटे यूट्यूबर्स को भी नहीं छोड़ रहे ये लोग। इससे दिखता है कि इनकी सोच क्या है, इतनी छोटी सोच है यार तुम लोग की। तो छोड़ो भाई ये सब। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आगे क्या करने वाला हूँ मैं, तो मैं बता देता हूँ क्या करने वाला हूँ। मैं काउंटर नोटिफिकेशन सेंड करने वाला हूँ YouTube को, जिससे कि वो मेरा वीडियो चेक करेंगे और एनालाइज करेंगे कि मेरा वीडियो फेयर यूज के अंडर था या नहीं। मेरा वीडियो 100% फेयर यूज के अंडर था, लेकिन मेरे को कोई भरोसा नहीं है YouTube ये स्ट्राइक हटाएगा कि नहीं। तो चलो भाई, अब भगवान के हाथ में, वो जो चाहेंगे वही होगा। भाई थैंक यू बोलना चाहता हूँ रोस्टिंग गुरु, गरीब और फाइनेंस ट्रेंड्स को, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया ये सिचुएशन में, और अभी काउंटर नोटिफिकेशन सेंड करने में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। वो बहुत अच्छे से असिस्ट किया मेरे को, संभाला। और जो लोग क्विंट नियोन के ऊपर वीडियोस बनाने वाले हैं, भाई मैं बोल दे रहा हूँ मत बनाओ, वो लोग स्ट्राइक मार देंगे। चाहे तुम्हारा चैनल कितना भी छोटा हो भाई, वो लोग ढूंढ के तुम्हें स्ट्राइक मार देंगे। तो भाई कोई फायदा नहीं है, वीडियो मत बनाओ अब उनके ऊपर। और अगर बना भी रहे हो तो प्लीज उनका क्लिप मत यूज करना, कोई भी वीडियो का, एक सेकंड का भी क्लिप मत यूज करना, वरना भाई स्ट्राइक आने का चांसेस है। सॉरी आप लोगों को कुछ आज अपडेट्स नहीं दे पाया मैं यूट्यूब के बारे में, क्योंकि भाई आज उस हालत में नहीं था मैं कि जाके न्यूज ढूंढूं और आपको बोलूं। एक और रिक्वेस्ट है भाई मेरे तरफ से, जस्ट प्रे एंड होप दैट मेरा चैनल से स्ट्राइक हट जाए, क्योंकि दिस इज वेरी डीमोटिवेटिंग फॉर अ स्मॉल यूट्यूबर। तो चलता हूं भाई, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, जो करना है करो। आज लाइक एम नहीं रखूंगा, जो आपका मन करता है करो भाई। मैं चलता हूं, बाय बाय।